मणिपुर में जारी हिंसा के बीच वहां के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने राज्यपाल अनुसुईया से राजभवन में मुलाकात का वक्त मांगा है। यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा सौंपते हैं तो केंद्र के पास राष्ट्रपति शासन लागू करने का भी विकल्प है। इस तरह की अटकलें हैं कि केंद्र इस बारे में विचार कर रहा है। राज्यों के 9 विधायकों ने भी बीते दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएम मोदी के साथ ज्ञापन सौंपकर प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। विधायकों ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार जनता के बीच अपना भरोसा खो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को गोरखपुर जाएंगे। वो गीता प्रेस के सदस्यों से मुलाकात करने के साथ ही गीता प्रेस भवन में आयोजित शताब्दी समारोह के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। वो शिव पुराण का विमोचन भी करेंगे। पीएम मोदी कुशीनगर भी जाएंगे, जहां गौतम बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जाएगा। गीता प्रेस को हाल ही में 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। केंद्र सरकार ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के किर्गिस्तान और हंगरी में अभ्यास को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत मंजूरी दे दी है। दोनों ने खेल मंत्रालय की टॉप टीम को प्रस्ताव भेजा था, जो 24 घंटे के भीतर स्वीकार कर लिया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार बजरंग किर्गिस्तान में 36 दिन के अभ्यास शिविर में भाग लेंगे, जबकि विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश किर्गिस्तान के बिश्केक में 1 सप्ताह अभ्यास के बाद हंगरी में 18 दिन अभ्यास शिविर में भाग लेंगी। सरकार विनेश बजरंग, उनके अभ्यास साझेदारों और कोचों के हवाई टिकट, रहने और खाने के खर्च, शिविर के खर्च, स्थानीय परिवहन और अन्य खर्च उठाएगी। दोनों जुलाई के पहले सप्ताह में रवाना होंगे। यूपी के माफियाओं की संपत्ति अब यूपी सरकार के खजाने की शोभा बढ़ाएगी। माफिया अतीक अहमद से लेकर मुख्तार तक की अवैध संपत्ति जो करीब 500 करोड़ है, उन्हें सरकारी संपत्ति घोषित किया जा रहा है। इनमें से कई संपत्तियों पर गरीबों के लिए मकान बनने का काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गैंगस्टर अतीक अहमद से जब्त की गई जमीन पर गरीबों के लिए बने 76 फ्लैट्स की चाबियां शुक्रवार को उन्हें सौंप दी।